दोस्तों, अगर आपको भी लगता है टीम इंडिया एक शानदार टीम है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट के लिए। दोस्तों, पिछले कई सीरीज से हम देखते चले आ रहे हैं कि कोई एक कप्तान टीम को नहीं संभाल रहा है। लगातार 7 सीरीज में 7 कप्तान बदलने का क्या है कारण, इसको लेकर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने एक बड़ा खुलासा किया। क्या कारण है, आखिर क्या करना चाहती है BCCI, सब कुछ हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने सीरीज दर सीरीज बदल रहे कप्तान को लेकर ताजा बयान दिया। गांगुली का कहना है कि 7 सीरीज में 7 कप्तान होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसे पैदा होने के चलते यह फैसला लेना पड़ा। भारतीय खेमे में इन दिनों क्या चल रहा है यह हर किसी के समझ परे है। सीरीज दर सीरीज खिलाड़ी कप्तानों में अपना डेब्यू कर रहे हैं। पिछले 7 सीरीज में टीम इंडिया की अगुवाई 7 कप्तानों ने की और अब टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी बीच कप्तानी को लेकर चल रहे इस खेल पर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली का ताजा बयान सामने आया। गांगुली का कहना है कि मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि पिछले इतने समय कम समय में 7 कप्तान होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है क्योंकि स्थिति ऐसे पैदा हुई थी। जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में रोहित कप्तानी करने वाले थे पर वो चोटिल हो गए, इसके बाद KL राहुल ने वनडे में टीम की कप्तानी की। ठीक इसी तरह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज के आगाज से पहले राहुल को इंजरी हो गई। BCCI अध्यक्ष ने आगे कहा कि इंग्लैंड में रोहित वार्म अप मुकाबला खेल रहे थे तब वो कोविड चपेट में आ गए, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गांगुली के अनुसार कैलेंडर कुछ इस तरह का है कि हमको प्लेयर को ब्रेक देना पड़ता है और इंजरी को देखते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना होता है। आपको कोच राहुल द्रविड़ की के लिए बुरा महसूस करना चाहिए क्योंकि परिस्थितियों के चलते हर सीरीज में नए कप्तान की अगुवाई कर रहे हैं। दोस्तों, BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली के बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।